हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कमला रावत पहाड़ी लाइफस्टाइल चैनल से आज आपको मंडवे की रोटी बनाना सिखा रही हूँ। मंडवे की रोटी को हम गढ़वाली में चून की रोटी भी बोलते हैं, या हिंदी में रागी की रोटी भी बोलते हैं। और इसको खाने से बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। ये एक तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। अगर आप इसको रोज़ सुबह नाश्ते में खाएंगे तो आपका शुगर, बीपी सब कंट्रोल में रहेगा। देखिए, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों। देखो, आज हम मंडवे की रोटी बनाने जा रहे हैं, जिसको कि हम गढ़वाली में चून कहते हैं। ठीक है, तो चून की रोटी बनाने के लिए हमने ये मंडवे का आटा ले लिया है, ये और ये मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है। ठीक है, ये मैंने छाने हुए हैं दोनों, इसलिए मैं दो छानूंगी नहीं दोबारा। इसके लिए मुझे दो दो कटोरी, इस कटोरी से दो कटोरी में मंडवे का आटा लेंगे। मैंने ख़त्म ही करना है, इसलिए मैंने ये अभी और ज़्यादा नहीं करा है। ये मैंने दो कटोरी ले लिया है मंडवे का आटा, और इसमें मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा, एक चौथाई चम्मच। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ऐसे करके अच्छी तरह से। और इसको हम हल्के हल्का, मैंने गुनगुना पानी करा हुआ है ये कैटल में, और इससे मैं इसको गूंथूंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने बड़ा सॉफ्ट सा, ये थोड़ा सा हल्के गर्म पानी से गूंदा है, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। इसको इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंद के रख दिया। अब मैं इसकी मंडवे की रोटी बनाना सिखाती हूँ, जो कि हमारे गढ़वाल में बहुत प्रचलित है, और ये एक तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। इससे शुगर वगैरह ख़त्म होती है। इस तरह से आटे को, इसमें इतनी मोटी गोली ले लेनी है, लोई ले लेनी है, और इस तरह से करके जैसे हम रोटी बनाते हैं इसी तरह से, लेकिन ये थोड़ी मोटी और अच्छी बनती है। इसको तो बेलने में भी आसानी रहती है, फटाफट से बेल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बेला जाएगा। और इस तरह से जैसे रोटी बनाते हैं ना, वैसे हमने इसको तवे में रख लिया है। इसको अच्छे से पकने देना है, जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इसको दूसरी तरफ पलट लेना है। ठीक है, इस तरह से इस तरह से ये पक गई है। अब इसे उतार लेना है।
रोटी बन गई है, इसे हमने इस तरह से परोसा। ये मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक का सब मिक्स करके ये इस तरह से नमक बनाया है, ठीक है। ये इसी के साथ अच्छा लगता है। इसमें मैं अब घी डालती हूँ। इसके साथ इस तरह से परोस के खाए जाते हैं। ये बहुत पौष्टिक होता है, इससे बीपी, शुगर वगैरह सब ठीक होते हैं। ये एक तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है और इसको हम नाश्ता बना के खाते हैं। ये बहुत टेस्टी है। आशा करती हूँ आप भी बनाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़। और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।